कटीमा की पुरानी तहसील में नगर पालिका द्वारा डाला गया कूड़े का मुद्दा अब राजनीतिक अखाड़ा बनता जा रहा है। पहले जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कूड़ा हटाने को लेकर प्रदर्शन किया था, वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी पुरानी तहसील में प्रदर्शन किया। साथ ही नगर पालिका द्वारा पुरानी तहसील में डाले गए कूड़े को शहीदों व राज आंदोलनकारियों का अपमान बताया। वहीं नगर पालिका से जल्द कूड़ा निस्तांतरण की भी अपील की है। कूड़ा न हटाने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। वहीं नगर पालिका ईओ ने कहा कि जल्द ही पुरानी तहसील से कूड़ा हटवाया जाएगा। और ये नगर पालिका चेयरमैन यहाँ पर निर्वाचित हुई है, तब से नगर पालिका की बहुत बुरी स्थिति। नगर पालिका एक प्रकार से नरक पालिका बन गई। जगह जगह कूड़े बिखरे हुए हैं, कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं शहर में, कोई भी पंप किसी भी प्रकार से नहीं हो पा रहा है। और ये पुराना तहसील परिसर राज्य आंदोलनकारी की एक स्मृति चिन्ह यहाँ पर है, उनके जनभावनाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे में पुराने तहसील परिसर में कूड़े का ढेर लगाना ये जनभावनाओं को आहत करता है। और काफ़ी लंबे समय से राज्य आंदोलनकारी यहाँ पर जो है राज्य आंदोलनकारियों के लिए शहीद स्थल की मांग करते आ रहे हैं। आज सरकार ने यहाँ पर शहीद स्थल यहाँ पर बनाने के लिए पैसा आवंटित कर दिया है, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नगर पालिका जो यहाँ पर कूड़े का ढेर लगा रखा है, इस कूड़े के ढेर की तहसील की सफाई करा कर यहाँ पर जल्दी से जल्दी नगर पालिका निर्माण जो शहीद स्थल का निर्माण होना है उसके लिए जगह सुनिश्चित करवाए, कूड़े का ढेर यहाँ से हटाए, इस प्रकार से व्यवस्था को बनाने में अपनी मदद करें। इसमें थोड़ा सा लोग और डाल दे रहे हैं, जो वो भी हम सब सफाई करवा रहे हैं। आज पूरा कूड़ा उठ जाएगा, पूरा प्रयास कर रहे हैं।